हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गजरौला। गजरौला एक औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्री स्थापित हैं। अगर गजरौला की बात की जाए तो ये ज़िला अमरोहा के अंदर आता है। ज़िला मुख्यालय की यहाँ से दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। तहसील धनौरा की दूरी यहाँ से 17 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 110 और प्रदेश की राजधानी की दूरी यहाँ से 400 किलोमीटर की है। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो गजरौला की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अभी हम जिस मार्ग पर हैं, ये मार्ग गजरौला को चांदपुर के द्वारा बिजनौर, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से कनेक्ट करता है। गजरौला नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे काफ़ी अच्छे काम कराए गए हैं। सामने एक सुंदर सा गोल चक्कर, अगर हम इससे राइट जाएंगे तो आगे एक फ्लाईओवर आएगा। इससे पहले यहाँ पर एक फाटक हुआ करता था जिससे यहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती थी। अब फ्लाईओवर बनने से उस जाम की समस्या का निदान हुआ है। सामने एक बड़ा चौराहा नज़र आता है। अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये मार्ग गजरौला को हसनपुर, संभल और बदायूं से जोड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गजरौला की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से नेशनल हाईवे 9 निकलता है जो 4 लेन है, जो गजरौला को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड के साथ साथ यूपी के कई बड़े शहरों से जोड़ता है। और इस कनेक्टिविटी की वजह से गजरौला की तरक्की में 4 चांद लग रहे हैं। अगर आप नेशनल हाईवे 9 पर ट्रेवल कर रहे हैं मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर या उत्तराखंड के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको खाने के लिए सभी फूड चेन और रेस्टोरा और इसके अलावा कैफे सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी गजरौला काफ़ी अग्रणीय है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित है। नेशनल हाईवे से लेफ्ट जाने पर रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए फिर गजरौला में एंट्री की जा सकती है। सामने ये सीधा रोड तिगरी धाम के लिए गया है और आगे जाके लेफ्ट जाने पर धनौरा काट अमरोहा के लिए। आगे से लेफ्ट जाने पर ये रास्ता गजरौला स्टेशन के लिए गया है। गजरौला जो कि एक जंक्शन है, ये रेलवे लाइन जो दिल्ली को लखनऊ से कनेक्ट करती है और उसी के साथ यहाँ से एक रेलवे लाइन नजीबाबाद के लिए गई है। गजरौला हर तरह से परिपूर्ण है, चाहे यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो या ये शहर जो हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा किए गए विकास कार्य और लोगों का उन सभी में दिया गया सहयोग गजरौला को एक अच्छा शहर बनाता है। तो इसी के साथ हमारी ये गजरौला की वीडियो ख़त्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।